तो दोस्तों, भारत और अमेरिका को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। और जिस प्रकार से अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को लगातार सुधार रहा है, आगे चलकर भारत और अमेरिका के बीच में अमेरिका के सबसे ताकतवर हथियार की जो डील है वो कंप्लीट हो सकती है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि इस समय अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर और स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर काम कर रहा है, जिसका नाम है B-21। और यह जो बॉम्बर है वो दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर 14,000 से 15,000 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने में सक्षम है। और अब तक का दुनिया का यह सबसे शक्तिशाली और स्टेल्थ बॉम्बर माना जा रहा है। पर दोस्तों, अमेरिका ने इस बॉम्बर को लेकर पिछले हफ्ते एक बड़ी घोषणा कर दी कि अमेरिका ने कह दिया कि इस B-21 बॉम्बर को हम ऑस्ट्रेलिया को देने वाले हैं। अब दोस्तों, यह खबर भारत के लिए खुशखबरी वाली क्यों है? क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका अपने B-21 बॉम्बर को दे सकता है तो फिर भारत को क्यों नहीं? और यही भारत के सामने एक बहुत बड़ा मौका है, मौके के ऊपर चौका मारने का। क्योंकि जब अमेरिका ऑफिशियली तौर पर ऑस्ट्रेलिया को B-21 बॉम्बर दे सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को चीन का सबसे बड़ा खतरा है, तो फिर भारत को भी ऑस्ट्रेलिया की तरह अमेरिका से B-21 बॉम्बर की डिमांड करनी चाहिए। और यहाँ पर इस डिमांड के साथ में अमेरिका का जो मोटिव भारत के साथ दोस्ती का वो भी भारत को पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया को B-21 मिलेगा तो फिर भारत को भी पूरी संभावना है कि अमेरिका B-21 बॉम्बर को दे ही देगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुधरे हैं और काफी अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका ने हमें अपने सबसे घातक ड्रोन प्रेडिएटर की टेक्नोलॉजी देने के लिए मान गया, हमारे ऊपर काटसा के तहत सैंक्शन भी नहीं लगाए, और साथ में कई सारी जो डेवलपमेंट है वो अमेरिका और भारत के बीच हो रही है। और आगे चलकर यदि भारत अमेरिका के B-21 राइडर को अमेरिका से मांगता है तो इस बॉम्बर को अमेरिका अवश्य भारत के लिए दे देगा, क्योंकि चीन जैसा एक बड़ा खतरा अमेरिका के भी सर पर मंडरा रहा है। और जब बात चाइना की आती है तो फिर अमेरिका को एक बात भली भांति तरीके से पता है कि जब चीन के साथ किसी भी प्रकार का अमेरिका का संघर्ष होगा तो भारत अमेरिका का सबसे बड़ा मजबूत साथी बनकर उभरेगा, और ऐसे में अमेरिका भारत को कतई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और बस इसी कारण से B-1 राइडर के भारत आने के जो सारे रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। वैसे इस B-21 बॉम्बर की प्राइस काफी ज्यादा है और अमेरिका ने इस पूरे बॉम्बर प्रोग्राम की रिसर्च के लिए $203 बिलियन खर्च किए हैं, जिसमें 100 की संख्या में B-21 बॉम्बर को अमेरिका बनाएगा। यानी एक बॉम्बर का जो प्राइस है वो करीब करीब 10,000 करोड़ से 16,000 करोड़ के आसपास पड़ेगा। फिलहाल में आप सभी की इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और क्या भारत को ये लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स में पीछे दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।